हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ दीवाना में। मैं हूँ आराधना। आज आपको बताने वाले हैं क्लास 12 के लिए ये 10.2 का 18 नंबर का क्वेश्चन, समझ गए कितने एक्सरसाइज का है ये। आपका एक्सरसाइज 10.2 का 18 नंबर का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, आपको फिगर दिया हुआ है, कथा त्रिभुज ABC के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है वो ढूंढना है, समझ गए। जो क्वेश्चन आपको सत्य नहीं लगता है तो उसका आंसर वही होगा, वही ऑब्जेक्टिव आपको ढूंढना है। अब देखिए, फिगर के माध्यम से क्या लिख सकते हैं, ये है प्लस, क्या हो जाएगा ये AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर, ये जो AC देख रहे हैं ये इसका परिणामी वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिणामी वेक्टर। तो लिखेंगे फिगर से, इससे तो फिगर से लिखेंगे वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बराबर में होगा वेक्टर AC, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बराबर में परिणामी वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर AC होगा। अब देखना थोड़ा सा है, क्या करेंगे तो AB प्लस वेक्टर BC, ये जो प्लस वेक्टर AC बराबर के साथ लाएंगे तो ये माइनस में होगा। अरे माइनस में तो होगा लेकिन बराबर में इधर जीरो बचेगा। अब देखिए, ये ऑप्शन आपको कहीं मिल रहा है क्या? ये ऑप्शन मिलता है, यानी कहने का मतलब ये कथन सही है। क्या है? सही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। जो आपको लग रहा है ये सही है उसको नहीं लेना, अरे जो गलत लग रहा है उसको ही लेना। अब देखिए, इसी में थोड़ा सा और कुछ बात बताते हैं। आप निगेटिव वेक्टर के बारे में जानते हैं, जब उसका डायरेक्शन विपरीत होता है तो वह माइनस में हो जाता है। यदि आपको कहा जाए वेक्टर AC का निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा तो माइनस में CA होगा, वेक्टर माइनस में CA होगा, ये समझते हैं। यानी AC का निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा तो माइनस में CA होगा। अब देखिए, इसी के माध्यम से इसी को थोड़ा सा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, अब देखिए CA लाए, एक तो माइनस यहां से है, एक CA जो होगा तो विपरीत हो जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, वेक्टर CA, इस टाइप से, समझ गए, बराबर में जीरो। अब देखना है AB प्लस वेक्टर BC माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वेक्टर क्या हो जाएगा, CA बराबर जीरो वेक्टर। ये भी आप देखिए, तो ऑप्शन आपको कहीं मिल रहा है, ये दोनों आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये मिल रहा है क्या, ये इसका मतलब स्टेटमेंट जो ये है ये बिल्कुल सही है। देखिए, ये ऑप्शन आपको नहीं होगा, समझ रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यदि इसी को आगे बढ़ाया जाए क्या हो जाएगा, AB ये इसको यदि सी को पहले लिखा जाए यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि निगेटिव फैक्टर बनेगा, निगेटिव फैक्टर बनेगा तो माइनस, अब BC है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर CB प्लस में CA बराबर में जीरो। ये देखिए, तो ऑप्शन कौन सा है, तो ये आपको ऑप्शन नजर आता होगा D नंबर, यानी ये भी ऑप्शन नहीं लेना, समझ गए। क्या है यहाँ पे, वेक्टर AB माइनस CB वेक्टर प्लस में क्या है, CA वेक्टर, ये भी ऑप्शन आपको नहीं लेना है क्योंकि यह भी स्टेटमेंट आपका सही। अब देखिए, बचा सी नंबर तो होगा ही, अब क्यों होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वेक्टर AB सही है, वेक्टर AB होना चाहिए, प्लस में वेक्टर BC होना चाहिए, बिल्कुल सही है, सब में है, समझ गए। लेकिन माइनस CA होना चाहिए, ये कह रहा माइनस CA, लेकिन माइनस CA होगा नहीं होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन ये सी नंबर है, सी नंबर गलत है, लेकिन सी नंबर आपका आंसर होगा। ये इस फिगर के माध्यम से सी नंबर गलत है, लेकिन आपके आंसर के माध्यम से ये क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। चलिए, अब इस सवाल को आप लोग शायद समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।